डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम करंट स्टोरी डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है सैलाब के बाद पाकिस्तान को जिन जिन क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा उनके बारे में एक रिपोर्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये वार्निंग जारी की है कि अब पाकिस्तान को जिन क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा उनमें बीमारी नंबर 1 है, क्योंकि सिंध में सैलाब से मुतासरा लोगों में पानी से पैदा होने वाली बीमारियां फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। ये इंतबाह हफ्ते के रोज WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रस अजानोम ने जारी किया है, क्योंकि उन्होंने अतिया दहिंदगान पर जोर दिया है कि वो जाने बचाने और मसीद मसायब से बचने के लिए फराख दिली से रद्द अमल जारी रखें। सैलाब ज़दा इलाकों में पानी की सप्लाई में खलल पड़ रहा है, जिससे लोगों के पास गैर महफूज पानी पीने के अलावा कोई चारा नहीं बचा हुआ, जो कि हैजे और दीगर बीमारियों का बायस बन सकता है। सूबे के बहुत से हिस्सों में पानी कम ना होने के बायस मच्छरों की अफजाइश हो रही है और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां बहुत ही जोर से फैल रही हैं। इत्तलात के मुताबिक सेहत के मराकज सैलाब में डूब गए हैं, इनके सामान को नुकसान पहुंचा है और लोग घरों से दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से इनके लिए सेहत की मामूली खिदमात तक रसाई बहुत मुश्किल हो गई। मुल्क में सेहत के कारकुनों को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो तबाही के दरमियान अहम खिदमात की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 90,000 मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें से 17,000 को डायरिया, 19,000 को जिल्द की बीमारियां और 700 को मलेरिया और जबकि 400 को डेंगू था। बहुत सी हामला खवातीन खास तौर पर दादू में खतरे में हैं, क्योंकि उनके पास मतलूबा तिब्बी इमदाद और देखभाल नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि मरीजों की बहुत ज्यादा आमद के बायस 4 से 5 बच्चों को एक ही बेड पर रखा जा रहा है। अगरचे हमें सप्लाइजर और तिब्बी पेशावर अफराद के हवाले से बहुत ज्यादा बिरौनी मदद की जरूरत होगी, लेकिन ये जरूरी है कि हुकाम सेहत इस बहरान से निपटने के लिए फौरी मनसूबाबंदी करे। इन इलाकों के मकीनों ने अपनी कोई गलती ना होने की वजह से काफी नुकसान उठाया है और जो बच गए हैं वह मतलूबा तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर बीमारियां लगने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराही इजलास में मौसमियाती तब्दीली का मसला उठाया है और इस बात पर रोशनी डाली है कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब किस तरह मौसमियाती तब्दीली की वजह से है। उन्होंने आलमी बरादरी से कहा है कि वो मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ दीवार तमीर करें और इस बात पर जोर देते हुए कि एक सोचा समझा और पायदार मंसूबा ही आगे बढ़ने का वाहद रास्ता है। अक्वामे मुत्तहिदा के सरबराह ने भी पाकिस्तान को मौसमियाती सैलाब से होने वाली तबाही से निपटने के लिए माली वसाइल की बड़े पैमाने पर आमद की जरूरत पर रोशनी डाली है। उन्होंने खास तौर पर एक लम्हा जाया किए बगैर पाकिस्तान के लिए दौलतमंद ममालिक की मदद की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। मौसमियाती तब्दीली के इर्द गिर्द ये बहस इंतहाई अहम है। चाहे थोड़ी देर हो जाए, पाकिस्तान में आने वाला सैलाब आलमी बरादरी के लिए चशम कुशा रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा के सरबराह का दौरा पाकिस्तान पर बरवक्त था और इसने दुनिया की तवज्जा इस अलमिये की तरफ मबजूल कराई जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है। अफसोस की बात है कि दुनिया का रद्द अमल कम से कम कहने के लिए नाकाफी है। जब भी किसी मुल्क पर ऐसी बड़ी तबाही आती है तो आलमी रद्द अमल आम तौर पर फौरी और मुनासिब होता है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में अब अमीर ममालिक की मदद की जरूरत खास तौर पर शदीद है, क्योंकि
मौसमियाती बहरान ऐसा नहीं है जिसका जिम्मेदार पाकिस्तान था। एक तरह से ज्यादातर संती और अमीर ममालिक ने ग्लोबल साउथ में वाकया तरक्की पजीर ममालिक को धोखा दिया है। पाकिस्तान ऐसे जैसे ममालिक के लिए इस तरह हैरान कुन तबाही का खमियाजा उठाना पड़ा और फिर अपने ही हालात पर छोड़ देना सरासर नाइंसाफी है। इस मसले के मरकज में जिम्मेदारी का एहसास है जिसे अमीर ममालक को दिखाना चाहिए और अपने परस की डोर को ढीला करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीली के मसले को वो हर बैन अवी फोरम पर उठाए और आईएमएफ प्रोग्राम के बावजूद हम पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले डॉलर की शरह को कम नहीं कर सके। इससे हमारी माशी परेशानियों में मजीद इजाफा हुआ है। सैलाब के बाद पाकिस्तान की माशी बका के बारे में मार्केट में शदीद तश्वीश बढ़ रही है। अब दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए और हर फोरम पर पाकिस्तान ने जो सैलाब की वजह से और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो माशी नुकसान उठाया है उसे मुकम्मल करने के लिए साथ खड़ा होने की ज़रूरत है।